हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। हाई ब्लड प्रेशर के लिए वरदान होता है आलू। आइए जानते हैं इसका सेवन कैसे करें। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन एक गंभीर बीमारी है जो गलत लाइफस्टाइल के चलते लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। इतना ही नहीं, आजकल युवा भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं। ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ाने से दिल की बीमारियां और हार्ट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि लोग ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन आप इसके लिए नेचुरल तरीका भी आजमा सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताएंगे जिससे आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण। चक्कर आना, शारीरिक क्षमता कमजोर होना, अनिद्रा की समस्या, सिर के पीछे और गर्दन में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, हर समय गुस्से में रहना, जल्दी थकावट महसूस होना, नाक से खून बहना, सांस लेने में परेशानी होना, यह सभी हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण होते हैं। ब्लड प्रेशर में वरदान होता है आलू। अगर आप भी ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं तो आलू आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। शोधों के अनुसार पता चला है आलू में मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड एंथोसाइनिन केमिकल ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। वहीं बैंगनी रंग के आलू में मौजूद पॉलीफेनोल नाम का तत्व भी काफ़ी मददगार साबित होता है। हम आपको बता दें कि आलू पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत है जिससे बीपी कंट्रोल में रहता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आप आलू का जूस पी सकते हैं। इसके लिए आलू को छील कर धो लें, इसके बाद इसे ग्राइंड करके जूस निकाल लें। अब इसे छान कर इसका सेवन करें। इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ले लें। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हरे आलू को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इन बातों का विशेष ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए अपनी डाइट में पोटेशियम से भरपूर फल व सब्जियों को शामिल करें। प्रोसेस्ड फूड की जगह साबुत अनाज खाना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। जो लोग दिन में 1500 mg से कम नमक का सेवन करते हैं उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ऐसे में कम से कम नमक का सेवन करें। वजन अधिक बढ़ जाने से भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, इसलिए अपना वेट कंट्रोल में रखें। रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम जरूर करें, इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है और आप बीमारियों से बचे रहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दिन में एक बार नारियल पानी जरूर पीना चाहिए। अगर सही तरह से नींद ना ली जाए तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है जिससे कि बीपी बढ़ने लगता है, इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद व्यक्ति को जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि आप अपने बीपी को आलू से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल के बटन पर जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। धन्यवाद।